thank you. ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये देखते हैं दौड़ लगाते हैं लगे 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 My name is Asif Ali Raja and you are watching my YouTube channel Explore Pado Par. If you love hunting and adventure, please like and subscribe my channel and share with your friends. ये दूसरे खरगोश के भी निशानात मिलने शुरू हो गए हैं खत्ता छोड़ के आगे पीछे हुए देखें किसी वक्त भी कोई बंदा मर्दा कर सकता है तलाश जारी है क्योंकि दिन में कोशिश नहीं होती हर बंदा अच्छे तरीके से खरगोश को ढूंढे और जिस पे क्योंकि खरगोश का तो ये है कि जब तक अच्छे तरीके से आप ढूंढेंगे नहीं तब तक ये मिलता नहीं है और एक छोटा सा घास का जो एक पौधा होता है अगर वो भी आप देखने से रह गए तो हो सकता है उसी में बैठा हो होता क्योंकि ये कलर इसका कैमोफ्लेज है बिल्कुल मौसम के साथ साथ तो ये नज़र भी नहीं आता ऐसे बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है तो फिर नज़र आता है ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये वुड पिजन उड़ रहे हैं आपको हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे ये पीछे और आ गए ये गालबन ऊपर वाले दरख्तों में बैठे हुए हैं कहीं अभी ये जगह बहुत अच्छी है आपको दोबारा खरगोश तो मिल सकते हैं लेकिन जगह मुश्किल है ग्रेहाउंड के लिए क्योंकि यहाँ पे ना तो आप स्पेस दे सकते हैं अगर स्पेस देंगे तो खरगोश गायब हो जाएगा ग्रेहाउंड नहीं दे सकते अगर ना दें तो फिर खरगोश ज़ाया हो जाता है बाल देखें कुछ मिलता जुलता काम हो तो थोड़ा बहुत शोर हो जाता है यहाँ पर भी उम्मीद है कि यहाँ से खरगोश किसी जगह से भी निकल सकता है क्योंकि एक अभी भाग गया जो नज़र ही नहीं आया क्योंकि ये जंगली किकर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और होती भी डेंजरस है अगर आप नीचे ना देखें तो आपके शूज़ वगैरह भी ये फाड़ के आपके पाँव में लग जाता है कांटा मार गया
वही बात हुई, मैं आपको कह रहा था कि किसी वक्त भी कोई मर्दा हो सकता है, और अभी देखें आपके सामने बंदे ने खरगोश देख लिया बैठा हुआ। हमारा जो है तकरीबन चौथा खरगोश है, यानी दो के पीछे हल्के फुल्के ग्रेहाउंड की दौड़ हुई है, एक अगजाया चला गया और एक ये भी मिला गया। देखते हैं दौड़ लगाते हैं, लगे कुत्ते लगे 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 जगह ये भी बहुत अच्छी है, यकीनन यहाँ से भी कोई खरगोश मिलना चाहिए। आज हमारे ढूंढने वाले भी और शिकारी हजरात बड़ा अच्छा देख रहे हैं। ये देखें आपके सामने स्पैरो आग जा रहा है, ये अटैक किया किसी पेस ने। एक दफ़े फिर बहुत अच्छी जगह, किसी वक्त भी कोई आवाज़ आ सकती है खरगोश की बैठने की, मर्दा हो सकता है। बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ भी रहे हैं तमाम शिकारी बड़ी तरतीब के साथ। वाह, वही बात हुई, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी वक्त भी कोई मर्दा हो सकता है, तो ये राजा कदीर ने मर्दा कर लिया है। अभी ये हमारा बहुत ही एक्सपर्ट शिकारी है, बहुत पुराना खरगोश ढूंढना इसके पीछे से आगे ख़त्म है। एक मिनट, एक ये ग्रेहाउंड भी सेट हो गए हैं, और ये आज ये राजा कदीर का दूसरा मर्दा है। तो आज का शिकार बहुत ही अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से तमाम शिकारी ढूंढ भी रहे हैं, और वक्त वक्त से खरगोश भी मिल रहे हैं, और मिलते तब भी हैं जब टीम आपकी मुख्तसर हो और ढूंढने वाले बंदे अच्छे हों, तो फिर शिकार का मज़ा आता है। गो के जगह ग्रेहाउंड के दौड़ने की नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, थोड़ी सी आपको देखते हैं जहाँ भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है दौड़ने के लिए, फिर जंगली कीकर फुलाई और नामवार जगहें, तो इससे ये होता है कि चले खरगोश भी बच जाता है, हल्की फुल्की ग्रेहाउंड की दौड़ भी हो जाती है। ये लग गया, हाँ ये है क्या।
राजू जी क्योंकि थकावट होती है, मौसम थोड़ा सा दिल को गर्म हो जाता है। यहाँ पे पानी की टंकी है, सब लोग यहाँ पे पानी पीते हैं।